Everybody, standard third subject areas chapter 2 means of communication. ये chapter explain हो गया, इसके hard words भी मैंने करवा दिया आपको, take the correct option करवा दिया, match the following करवा दिया, true false करवा दिया, filling the blanks अभी incomplete copy कब नहीं करवाई है मैंने, और आपको भी आज question answers करवाती हूँ, वो भी एक ही incomplete रहेगा, वो filling the blanks के साथ करवा दूँगी. अभी आप देखो ये first question. How did people in ancient times communicated? How did people in ancient times communicate? पहले के जमाने में क्या यूज करते थे? तो देखो, how did people in ancient times communicated? तो आंसर, people in ancient times communicated through drums, horns and smoke signals. ये वो लोग यूज करते थे पुराने जमाने में, ठीक है. क्वेश्चन टू, व्हाट इज द चीपेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन? बिल्कुल सस्ता है, क्या है? तो आंसर है, न्यूज़पेपर्स आर द चीपेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन थ्री, व्हाई आर टेलीविजन एंड रेडियो कॉल्ड मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन? मास कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या होता है? मैसेज टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम इज कॉल्ड मास कम्युनिकेशन होता है वो, ठीक है. तो देखो इसमें आंसर है, बिकॉज टेलीविजन एंड रेडियो सेंड एंड स्प्रेड इंफॉर्मेटिव एंड एंटरटेनिंग प्रोग्राम टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल. कैसे? देखो, टेलीविजन और रेडियो के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, वो क्या है, रेडियो और टेलीविजन क्या है, वायरलेस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है. और उससे क्या, इलिटरेट का मतलब क्या होता है, जो अनपढ़ लोग होते हैं ना, वो भी अंडरस्टैंड इजीली कर सकते हैं उसको. और लास्ट नंबर, और रेडियो से क्या होता है, रेडियो से सेंड्स न्यूज टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम. इससे क्या होता है कि लोग, देखो अब न्यू टेलीविजन से क्या कर सकते हैं, न्यूज hears और एंड सी द पिक्चर ऑफ द पर्सन एंड रीडिंग आउट द न्यूज. जो पर्सन न्यूज वगैरह देते वो तुरंत वो लोग देख सकते हैं और उसको क्या कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, ठीक है. अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर क्वेश्चन फोर, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ मोबाइल फोन्स. देखो इम्पोर्टेंस ऑफ मोबाइल फोन्स के बारे में आपको लिखना है. तो आंसर है, मोबाइल फोन्स हैव ब्रॉट अबाउट चेंजेस इन अवर लाइफ्स. तो हमारी लाइफ में कितना चेंज हुआ है, देखो, वी कैन टॉक टू अवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड सेंड और रिसीव मैसेज थ्रू मोबाइल फोन्स. हम हमारे रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को इजीली मैसेज सेंड कर सकते हैं और ले सकते हैं, किसके द्वारा, मोबाइल से. ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन आंसर हो गया है. इसका एक क्वेश्चन इनकम्प्लीट है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी. थैंक यू. ये आपको क्लास वर्क की बुक में और होमवर्क की बुक में लिखना है और लर्न करना है.